वेलकम, स्वागत है आप सभी का। आज अपने लोग पढ़ेंगे क्लास टेंथ का मैथमेटिक्स। ये क्वेश्चन है, ये बनेगा दो तरीका से। पहला सिरोधारा चार्ज मेथड, ठीक है, जिसको आप द्विघात समीकरण का फॉर्मूला भी बोलते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला। एंड सेकेंड थिंग फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड से अपने लोग अभी इसको क्लियर करेंगे, यानी कि ढील करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्वेश्चन उतार लूंगा मैं, इस टाइप का क्या उतार लेना है, क्वेश्चन उतार लेना है, क्लियर। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस दे देंगे। अच्छा, अब ये क्वेश्चन उसी स्टूडेंट को बन सकता है जिसको ये टाइप का सवाल आता हो। एक सेकेंड, इस टाइप का सवाल अगर जिसको आता हुआ ना, तो वही ये सवाल बनाएगा। अगर इसको अगर कुछ पते नहीं होगा, ठीक है, कि इसको कैसे हल किया जाता है, सेवन्थ से ही स्टार्ट है, सेवन्थ क्लास में, एट्थ क्लास में, नाइन्थ में तो बहुत ज़्यादा ही है, ठीक है। तो ये अगर आपको आता है तभी सवाल को कर सकते हैं, नहीं तो आप नहीं कर सकते हो। तो सर ये सीखेंगे कैसे, तो आप जहाँ कहीं भी कोचिंग ले रहे हो तो वो सर को बोलो कि ये मैं तो सिखा देने के लिए, नहीं तो आपको टेंशन नहीं करना है। आप मैं बहुत सारा वीडियोज इस टाइप पर बनाया हुआ हूँ, तो आप जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हो, तभी जाके आपको ये क्वेश्चन बनेगा। अगर आपको आता है तब तो वेरी गुड, ठीक है। तो इस सवाल में क्या करते हैं, हम भी बताए हैं, ठीक है, हम भी आप प्ले लिस्ट में जाके देखोगे ना, मैं होगा तो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा इस टाइप का सवाल का, ठीक है। इसलिए चैनल से आप जुड़ जाइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी प्रॉब्लम हो आप हमें बता सकते हैं। मैं भी बता रहा हूँ, अगर आपको चाहिए कि सर इस सवाल हम नहीं समझ में आता है, आप अपने ढंग से देखो, टीचर तो सबका तो आंसर वही आता है, लेकिन सबको बताने का अलग अलग तरीका होता है, तो उसका मेन चीज़ होता है। तो अगर आपको ये हमसे पढ़ना है तो आप कमेंट सेक्शन में बोलो, तो मैं होगा तो मैं इस टाइप का वो सीरीज लेके आऊँगा जिसमें ये सब मैं बताऊँगा, और हालांकि मैं बता दिया हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, इसको इससे गुना करते हैं, और जोड़ है तो जोड़ने पर ही आना चाहिए, घटो रहता है तो घटाने पर ही आना चाहिए, इस टाइप का बनता है, स्प्लिटिंग मेथड इसे बोलते हैं। तो एग्जैक्टली ये देखिए, इसका मुकाने ऐसा लग रहा है ना, देखिए ये क्वाड्रेटिक फार्मूला जैसा लग रहा है ना, ये इस टाइप का लग रहा है, और ए बराबर जीरो भी नहीं है। तो देखो इसका मुकान इसके जैसा मिल रहा है, देखो यहाँ पे इसका मुकान इसके जैसा मिल रहा है, देखो यहाँ पे सी है, तो इसका मतलब सेम टू सेम ये जो है ना इसके जैसा क्या हो रहा है, मिल रहा है, ठीक है। सेम टू सेम क्या हो रहा है, ये इसके जैसा क्या हो रहा है, मिल रहा है, ठीक है। तो अब चलिए स्टार्ट करेंगे। अच्छा, अब इसको हम बनाएंगे कैसे, तो सबसे पहले देखो इसमें हम करते हैं क्या, इसमें हम करते हैं कि इसको मैं इससे गुना करूंगा। देखो पहला टर्म, दूसरा टर्म और तीसरा टर्म, यानी कि फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। तो तीसरा पद को पहला पद से गुना करते हैं, फर्स्ट स्टेप यही रहता है अपने लोगों को, तो चार को गुना करते हैं इससे, ठीक है। फर्स्ट स्टेप ये रहता है, मैं बार बार कर रहा हूँ, आई रिपीट, जिसको नहीं आता है वो वाला तरीका अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा इसको आपको समझने में, इसलिए वो तरीका पक्का से पक्का जाके देखो, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रीलिम्स सब होगा ना, तो उसमें जाके देखो, या तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको क्लिक करो, इस तरीका जाके देखो, उसके बाद ही इस वीडियो को देखो, वरना आपको समझ में नहीं आएगा, क्लियर। हालांकि मैं पूरा कोशिश करता हूँ बता देने का। तो ये हो गया, अब यहाँ पे देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं इसको, फिर तोड़ो, दो गुने इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका माइनस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्लियर। अच्छा, अब यहाँ पे सेकेंड चीज, इधर फर्स्ट स्टेप क्या करते हैं, इसको गुना करते हैं, ठीक है, इसको गुना करते हैं, कर दिए, उसके बाद क्या करते हैं, उसको तोड़ते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए यही रहता एक्स स्क्वायर जोड़ 11 एक्स जोड़ 30 रहता, तो 30 को एक से गुना करते, फिर 30 का एलसीएम ऐसे करके करते, ठीक है, ऐसे करो, ऐसे करके लिखो, दो गुने करा ऐसे करके, ठीक है, तो वो कर सकते हैं। तो ये अपने लोग यही किए, चार को लिख दे, दो गुना है तो गुना, ए का माइनस बी एस करके लिख दे, प्लस बी इंटू माइनस बी। अच्छा, अब सेकेंड चीज में क्या करते हैं, देखो बाबू लोग, जोर है ना तो इसको ऐसे दो जगह में बांटेंगे कि जोर है तो जोड़ने पर आना चाहिए बिछला वाला में, यानी कि क्या, चार है, जोड़ने पर चार आना चाहिए, बात समझे, एंड गुना करने पर वही आना चाहिए जो पहला टर्म में गुना करने पर आया था, यानी कि इसको गुना करने पर आया वो आना चाहिए गुना करने पर, ठीक है। चलिए मैं इसको फिर से बताता हूँ, देखो गौर से सुनो। फर्स्ट स्टेप क्या करना है, पहले शुरुआत में जब आपको क्वेश्चन पूछेगा ना, तो सबसे पहले आपको मुंह कान मिलाना है, मुंह कान मिलाने का मतलब है थोड़ा सकल सूरत मिलाना है, मुंह कान मिलाने का मतलब है कि थोड़ा आपको सकल सूरत मिलाना है, इसके साथ सकल सूरत मिलाना है, ठीक है, ऐसे इसको सकल सूरत मिलाना है, मिल गया तो पहला स्टेप खत्म।
फिर अगला क्या कर, अब किसी को भी पाला सके, ये पाला माने हुए इसको दूसरा हो गया, मैंने इसको नहीं किया यहाँ पे पाला, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब सेकेंड स्टेप क्या करना है, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करना है तो कर दिया, फिर इसको तोड़ना है तो तोड़ा। सेकेंड में क्या करना है कि जोर यहाँ पे जोर है तो जोड़ने पर ही आना चाहिए, तो जोड़ने पर ही आना चाहिए, गुना करने पर इसको इसको गुना करने वो आना चाहिए। तो कैसे आएगा देखो, ये वाला लो और एक बार ये वाला लो, टू ए प्लस बी ले लो, फिर यहाँ पे एक बार ये दोनों ले लो, एक बार ये दोनों ले लो। अब देखो, अब विद्यार्थी क्या करता है, धरफड़ी में आगे बनाने लगता है, नहीं बैड हैबिट, आगे नहीं बनाना है। आप तो ये तो समझ गए कि एक बार इसको लेना है, एक बार इसको लेना है, ठीक है, एक बार इसको लेना है, एक बार इसको लेना है, ये तो समझ गए। तो मैं क्या करूंगा, इसको इसको तोड़ूंगा, ये दोनों को एक्चुअल में जोड़ के आता है कि नहीं आता वो चेक करूंगा, तब आगे बढ़ूंगा, ठीक है करिए। तो ये था, अब फिर यहाँ पे ये था, अच्छा देखो तोड़ो, दो को ऐसे करेंगे तो टू ए प्लस 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 टू भी हो गया, प्लस 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 टू ए हो गया, प्लस माइनस माइनस टू भी हो गया, ठीक है। अब इसके शुरू शुरू में माइनस है, इसके शुरू शुरू में प्लस है, दोनों दोनों कट जाएगा, तो टू ए को एक जगह उतार देंगे, टू ए को एक जगह उतार देंगे तो कितना हो गया, ये चार ही हो गया, कितना हो गया, ये चार ही हो गया, चार ही हो गया। तो देखे चार आ गया, फिर गुना, फिर यही वाला मुका इसके जैसा होता है, वो वाला फैक्टर में भी इसको भी यहाँ पे उतार देंगे, इसको सेम टू सेम डिटो सेम टू सेम उतार देंगे। अब इसको तोड़ो, देखो आराम से आ जाएगा, देखो अब इसको कैसे तोड़ेंगे, तो क्या करते हैं, टू ए प्लस बी और फिर ये टू ए माइनस बी, तो क्या करते हैं, अंक को एक जगह करते हैं, अंक को क्या करते हैं एक जगह, तो दो गुने दो को एक जगह और ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी को क्या चीज एक जगह। अब हम एक बात बताओ, दो दो ना चार हुआ, अब ये फिर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखिए आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना, आ गया ना, यानी कि ये दोनों चीज को जोड़ने पर ही आता है, गुना करने पर ये आता है, ठीक है। अब यही चीज को मैं यहाँ पे लिख दूंगा, यहाँ पे मैं इसको सबसे पहले उतार दूंगा, यहाँ पे टू ए प्लस बी लिख दूंगा, टू ए प्लस बी लिख दूंगा, ये एक्स का साइन भी लगा दूंगा, ठीक है। तो अभी तो चार, देखो यहाँ पे चारे ना आया, तो इसका भी चारे का काम था, लेकिन यहाँ पे एक्स है तो आप तो एक्स एक्स लगाओगे तब ना एक्स भी आएगा, तो इस तरीका से। अच्छा फिर यहाँ पे माइनस दे देंगे, तो फिर यहाँ पे टू ए माइनस बी करके आया, फिर यहाँ पे एक्स देंगे, दोनों में एक्स देना तब ना एक्स एक्स, एगो एक्स हो जाएगा, फिर यहाँ पे ये वाला उतार दो, जीरो दे दो। अब यहाँ पे देखो कि अब इसको चेक करो कि अगर अब वो दो तीन चीज चेक करो तभी आगे बढ़ो, नहीं तो आगे मत बढ़ो। क्या दो 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 तीन चीज क्या चेक करो, दो तीन चीज क्या चेक करो, जोर है तो जोर है तो जोड़ने पर आना चाहिए चारे, आराम से आया देखो, माइनस माइनस प्लस, इन दोनों का भी मैंने जोड़ा था ना ये, फिर गुना करने पर क्या आना चाहिए, गुना करने पर इसको इसको गुना करेंगे वो आना चाहिए, तो वो भी मैंने किया था। अब दोनों में से बड़ा बड़ा का चिन्ह रहेगा जो इसके पिछले का साथ मैच करना चाहिए, तो देखो माइनस माइनस पहले दोनों में से बड़का कौन है, दोनों में से बड़का दोनों बराबर है तो ये होगा। अगर मान लीजिए पांच रहता है सात रहता था, सात का चिन्ह माइनस रहता है इसके, मतलब दोनों में से बड़ा रहेगा ना उसके साथ साइन मैच करना चाहिए, तो यहाँ से दोनों सेम टाइप का माइनस से माइनस रहता है, माइनस देती है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे कितना टर्न, एक दो तीन चार, यानी कि पाला दूसरा तीसरा चौथा, तो जोड़ा लगा दो, दो को जो आपको नहीं ऐसे करके घसना है, समझाने के लिए इसको जोड़ा लगा दो। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या करो, दोनों में कॉमन निकालो, दोनों में क्या निकालो, अब लोग कॉमन निकालो, तो कॉमन कैसे निकालते हैं वो भी मैं बताया हुआ हूँ, ठीक है। मैं हर चीज को टच किया हुआ हूँ टॉपिक में, इसीलिए कहते हैं आप पक्का से पक्का सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड को भी मतलब मोटिवेट करो, प्रेरित करो कि चैनल से जुड़ने का, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। चार एक्स स्क्वायर, तो दो गुने एक्स गुने एक्स, ठीक है। फिर ये वाला है, ये है ना, ये वाला तो ये वाला उतारेंगे, इसको भी मैं क्या करूंगा, इसको तोड़ूंगा, दो गुने ए प्लस बी इंटू एक्स, कॉमन फैक्टर दैट मीन्स एस सी एफ निकालूंगा, यानी कि मोसो जिसको बोलते हैं आप लोग, उभयनिष्ठ या सार्वगुणनखंड, तो दो इसमें भी है, दो इसमें भी है, तो दो, ठीक है। फिर एक्स इसमें भी, एक्स इसमें भी है, एक्स, ठीक है। अब तो नहीं कुछ मिला है तो यहाँ पे क्या दे देंगे, दो एक्स दे देंगे, यहाँ तो कोई दिक्कत, अच्छा ये मैं यहाँ पे क्या करूंगा, दो एक्स में डाल दूंगा। फिर यहाँ पे ब्रैकेट का साइन दूंगा। अब बार बार यह चीज मैं बताया हूँ, बार बार, कि मान लो आपको यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे आपका 25 है, ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए आपको 5 है, तो यहाँ पे क्या दोगे कि 25 आएगा, तो इसको आप ऊपर करोगे, इसको नीचे करोगे, कट गया तो 5 नहीं आएगा, बात समझे कि नहीं समझे। तो फिर वो वही वाला है, यहाँ भी देखो, यहाँ पे आपका क्या था, ये यहाँ पे 4x² है, 2x दे दिया है, तो यहाँ पे आप क्या दोगे कि 4x² हो जाएगा, ठीक है, क्या दोगे, यहाँ पे आपका 4x², यहाँ पे 2x, यहाँ पे क्या दोगे, 4x² हो जाएगा, तो 4x² को ऊपर दोगे, 2x को नीचे दोगे, तो यहाँ पे स्क्वायर को तोड़ सकते हैं, x गुने x, फिर 2 गुने x,
कर गया तो एक अंदर दो देना चाहे दो एक्स हो गया, तो यहाँ पे क्या चिपका दो, दो एक्स ब्रैकेट चेंज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ब्रैकेट आप कोई भी दे सकते हो, देखो ये वाला ब्रैकेट देखने में अच्छा नहीं लगेगा इसलिए मैं ऐसे लिखूंगा, मतलब कुछ चेंज कर दूंगा, ये हो गया। फिर यहाँ पे देखो प्लस, यहाँ पे प्लस देंगे तब तो गड़बड़ रहेगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस देना पड़ेगा। फिर वही डालो यहाँ पे क्या देंगे कि इस दोनों को गुणा करके आएगा, तो फिर वही डालो, इसको क्या करूंगा मैं ऊपर लिखूंगा, ठीक है। तो लिखो इसको क्या करो ऊपर लिखो, और ये जो यहाँ पे है, ये जो यहाँ पे है उसको क्या करूंगा मैं, उसको क्या करूंगा मैं नीचे लिखूंगा, नीचे लिखूंगा। अब यहाँ पे गुना है, यहाँ भी क्या है गुना है, दोनों के बीच में कुछ नहीं रहता है ना, दोनों के बीच में कुछ नहीं रहता है तो क्या रहता है गुना रहता है। ये से ये क्या हो गया कैंसिल, और ये से ये क्या हो गया कैंसिल, तो ए प्लस बी हुआ। आपको मैं ये भी बताया हूँ कि माइनस वाला के बाद में क्या लिखते हैं ब्रैकेट में लिखते हैं, माइनस वाला के ब्रैकेट बाद में क्या लिखते हैं ब्रैकेट में, ए प्लस बी हो गया, ए प्लस बी हो गया। अब यहाँ पे ब्रैकेट को बंद कर दो, ब्रैकेट को क्या कर दो बंद कर दो, अब इसके आगे मिलाओ तो प्लस 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 इसको इसे गुना कर दिया हुआ, प्लस माइनस माइनस इसको इसे गुना कर दिया, मिल गया मेरा। फिर देखो यहाँ पे माइनस का साइन लगा दो, बाद में मैं चेक करूंगा ना, अभी माइनस या प्लस का कोई भी चीज लगा सकता है कोई दिक्कत नहीं, ये यहाँ पे था मैंने यहाँ पे ये दे दिया। फिर वही बना डालो इस दोनों में क्या मिलेगा, तो वो आप चलो करके देखो, देखो क्या करो, तो ये टू ए माइनस बी एक्स, तो टू ए ए माइनस बी अगुने एक्स तोड़ सकते हैं। फिर ये वाला को उतार दो तो इसका हो जाएगा ए प्लस बी और इन टू ए माइनस बी, तो इसका एच सी एफ क्या हो जाएगा, एच सी एफ क्या हो जाएगा, ये इसमें भी मिला ये इसमें भी मिला, तो क्या मिला ही ए माइनस बी मिला ना भाई लोग, तो यहाँ पे क्या दे देंगे ए माइनस बी दे देंगे, ठीक है। फिर ब्रैकेट चेंज कर लेंगे, कोई भी दे सकते हो बाबू, ए भी ब्रैकेट दे सकते हो, टेंशन वाली को ये कोई भी ब्रैकेट दे सकते हो, ब्रैकेट पर मथा पच्ची नहीं करना, ठीक है। और फिर वही डायलॉग कि देखो ये है, फिर यहाँ पे क्या देंगे कि ये वाला आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर क्या देंगे कि ये वाला आ जाएगा, तो फिर वही डायलॉग इसको क्या करो ऊपर दो, ठीक है। तो देखो ऊपर लिखो, ऊपर लिखो, इसको क्या करो नीचे लिखो, अब गुना है यहाँ भी गुना है यहाँ पे गुना है, तो ये वाला से ये वाला क्या हो गया कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा टू एक्स हो गया, तो यहाँ पे क्या दे देंगे टू एक्स दे देंगे। फिर यहाँ पे क्या देंगे माइनस देंगे, अभी माइनस क्यों दिया, साइन का क्या चक्कर है, देखो हम तो बनाएंगे नहीं, देखो मैथ का रूल होता है कुछ भी करे फर्क ना पड़े, तो माइनस प्लस माइनस इसको ऐसे किए तो ये माइनस माइनस प्लस आएगा ना, अगर आप प्लस दोगे तो माइनस प्लस गड़बड़ा जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस अच्छा। फिर वही डालो इसको क्या दो ऊपर दो, इसको ऊपर दो, इस वाला को क्या दो नीचे दो, ठीक है। अब इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा बाबू लोग, तो ए प्लस बी हो जाएगा, इसका ए माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। इसको भी मैं यहाँ पे ऐसे करके उतार दूंगा, कर गया कर गया, क्या बचा ए प्लस बी बचा, ये यहाँ पे चिपका दो ए प्लस बी बचा। अभी एक चीज़ और मैंने अभी क्या बताया, कुछ बताया ना माइनस वाला के बाद में क्या चीज़ ब्रैकेट में दे दो, इसको मैं ऐसे करके क्या करूँगा लिख के बराबर जीरो, फैक्टर है तो बराबर में जीरो होगा ही, अच्छा यहाँ तो कोई दिक्कत। अब यहाँ से आगे क्या कर सकते हो आप, यहाँ से आगे क्या कर सकते हो, फिर देखो आपको अगर यहाँ से आगे आप तोड़ भी सकते हो, नहीं तो ये दोनों को ये दोनों कॉमन भी ले सकते हो, फिर आगे दोनों में से कोई भी कोई एक काम कर सकते हो, बात समझे ना। तो चलिए तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं क्या करूँगा आपको, यहाँ से दो तरीका, पहला मैं दोनों बता दूंगा, इसको आप तोड़ भी सकते हो, ठीक है, या तो मैं ऐसा ही रहने दूंगा, ठीक है, ऐसा ही रहने दो। फिर देखो ये एक टर्म हो गया, गुना में है ना, तो ये वाला आपको इतना नहीं काट कूट करना, ये एक टर्म हो गया, ये दो टर्म हो गया। फिर देखो दोनों में क्या मिल रहा है, ये वाला मिल रहा है, तो फिर कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे देखो यहाँ पे तो मैं बताता हूँ, ठीक है। तो देखो दोनों में कॉमन ले लेंगे, तो ये हुआ 2x माइनस ए जोर बी, मैं कॉमन ले लूंगा, ठीक है, हुआ ना, दोनों में मिला ना, सेम टू सेम डिटो मिल रहा है, अच्छा। फिर यहाँ पे कोष्ट दे दूंगा, कोष्ट कोई भी दे सकते हो, मैं बार बार बोल रहा हूँ। फिर देखो इसको क्या दूंगा, इसको यहाँ पे क्या दूंगा, इसको ऊपर और इसको नीचे, तो आपको नहीं लगता है कि ये वाला से ये वाला कट जाएगा क्योंकि गुना का साइन है, ये बचा तो ये यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। फिर माइनस, फिर वही डायलॉग इसको ऊपर में देंगे, इसको अभी मैंने बताया है ना वही वाला ना होगा, हम इसको मतलब इसको कितना मतलब यहाँ पे हम क्या देंगे कि आ जाएगा, यानी कि इसको कितना बार पढ़ेंगे कि आ जाएगा, तो उसके लिए क्या करते हैं, इसको देते न्यूमिरेटर में, यानी कि ऊपर देंगे इसको नीचे देंगे, तो ये वाला से यानी कि देखो पीछे से करता हूँ ऐसे करके ऐसे उठ जाएगा, ये बचेगा, फिर माइनस वाला के बाद में कोष्ट में, अच्छा। फिर यहाँ पर बंद कर देंगे, बराबर जीरो, यहाँ तो कोई दिक्कत, ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब देखो अब यहाँ पे गुना का साइन है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, कोष से कोई लेना देने नहीं, अब यहाँ पे ऐसे करके बोला कि घिस देंगे, ऐसे करो या कर्व लेने की, जो आपका अपना मर्जी है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे देखो चूंकि ये बराबर जीरो है, ये भी बराबर जीरो होगा, क्योंकि फैक्टर का मतलब क्या हो गया, ये इसको डिवाइड देगा तो जीरो आएगा, ये भी इसको डिवाइड देगा जीरो होगा, वही होता है फैक्टर का मतलब, अच्छा। और एक चीज और, फैक्टर का एक्चुअली में मतलब क्या होता है वो भी मैं बताया हूँ, व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ फैक्टर, वो भी मैं बताया हूँ, ठीक है। आप प्लेस में थोड़ा घूमते रहो। अब देखो यहाँ पे अब मैं क्या करूंगा,
ये ऐसे करके उतार के ये बराबर क्या दूंगा, जीरो, ठीक है। तो अब इसको मैं ब्रेक डाउन करूंगा, अभी मैं इसको इस करके उतार दूंगा, ठीक है, बराबर जीरो। अब यहाँ पे 2x माइनस है, इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस नहीं भी देंगे तो चलेगा। इसको क्या बोलते हैं बाबू लोग, शिफ्टिंग बोलते हैं, शिफ्टिंग या ट्रांसपोजिशन, पंचांतरण या स्थानांतरण, ठीक है। ब्रैकेट से मजाक नहीं, इधर जो ब्रैकेट देंगे इधर भी वो ब्रैकेट नहीं, इतना नहीं है ऐसा, इधर बड़की वाला इधर छोटकी वाला ऐसा नहीं है कुछ, ठीक है। अच्छा अब x का मान निकालते हैं, आपको पता है ना बेसिक चीज यही, 2x बराबर अगर 5 देते हैं तो x का जो वैल्यू निकालते हैं ये ऊपर जाता है ये नीचे जाता है, इस टाइप का आपको पता है। तो वह यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो x का जो मान निकालेंगे तो इसको क्या देंगे, ऊपर देंगे और ये 2 को क्या देंगे, नीचे देंगे, ठीक है। तो दिस इज आवर आंसर, ये एक आंसर हो गया। फिर सेकेंड में देखो, सिमिलरली ये बराबर भी जीरो रखेंगे तो 2x माइनस ये माइनस भी बराबर क्या चाहिए, जीरो, ठीक है। सिमिलरली लिख दो, सिमिलरली। अब बोलेंगे सर अब इसमें तो ब्रैकेट लगा के यही वाला सेम टू सेम उतारेंगे, यहाँ पे आप हटा क्यों दिए, देखो बाबू इसलिए हटा दिए कि सिमिलरली लिख दिए ना, तो टीचर समझ जाएंगे कि यही स्टेप यहाँ भी रिपीट होगा, क्योंकि सिमिलरली लिखा है, इसलिए एक दो लाइन में छोड़ भी सकता हूँ, कोई टेंशन वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। तो 2x इसलिए मैंने ये ब्रैकेट हटा दिया, क्योंकि सिमिलरली लिख दिया ना तो एक दो को स्किप भी कर सकते हो, तो उतना अच्छा से बनाने का कोई जरूरत नहीं है सेकेंड बार में, हो गया। अब x का मान निकालेंगे तो ऐसे होता है ना, तो ये कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, अच्छा, और ये कहाँ चला गया, नीचे चला गया, हो गया ना, इसका दो आंसर हो गया, ये भी आंसर हो गया। तो आप दो जगह आंसर मत लिखो, ठीक है, आप डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख दो, हेंस, कहता ना सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय द फैक्टराइजेशन मेथड, हेंस हेंस ए प्लस बी डिवाइड बाय 2 एंड ए माइनस बी डिवाइड बाय 2 आर, आर क्यों लगा, क्योंकि दो फैक्टर है ना, इसलिए आर द फैक्टर्स, फैक्टर्स ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल्स या टीएक्स, कुछ भी लिख सकती हो, यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, दिस इज आवर आंसर, हो गया फिनिश, ठीक है। और यहाँ पे कितना, यहाँ तो कोई दिक्कत, ठीक है, अब अच्छा से देख लीजिए, टेंशन क्या है, कुछ भी दिक्कत होगा तो आप हमें कमेंट करना। अब यहाँ से आगे आप ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है, आगे पीछे करके आपको देखना है, कुछ भी दिक्कत होगा तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जो अच्छा स्टूडेंट होंगे वो तो अच्छा से समझ गए होंगे, एवरेज स्टूडेंट भी आई होप समझ गए होंगे, लेकिन जो वीक स्टूडेंट है तो वो नहीं समझेगा, मैं पहले डिस्क्लेमर दे देता हूँ, बता देता हूँ, वो आप नहीं इसको समझ सकते हो जब तक आपको वो जो नॉर्मल वाला जो आता है सतमा आठवा नौवां समझ दिया रहता है, इसलिए नहीं लिख सकते हो। देखो यहाँ से आगे क्या करेंगे, यहाँ से आगे सेकेंड मेथड, मेरा तो सवाल तो मेन बन गया, यहाँ से आगे सेकेंड मेथड, ठीक है, 2x दे देंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, इसको मैं यहीं पे तोड़ दूंगा, 2x माइनस प्लस माइनस ए फिर माइनस प्लस माइनस बी, ठीक है, यहाँ से आगे मैंने बताया था ना कि बताऊंगा मैं इसका भी सेकेंड मेथड, फिर ए माइनस बी हो जाएगा, फिर देखो यहाँ पे 2x तो यहाँ पे 2x फिर यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, ब्रैकेट से निकाल रहे ना तो इसलिए गुना करेंगे, माइनस प्लस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा बी, तो बराबर कितना हो गया जीरो, की दिक्कत, अभी सबका मुकान अलग अलग, इसका भी दोनों का मुकान अलग अलग, अब फिर दोनों में दो जोड़ा है, चार गो नहीं है, एक दो चार गो नहीं पढ़ लेना, गुना है ना, देखो देखो क्या होता है कि ए जोड़ बी, अभी दो टर्म हुआ, अभी एक टर्म हुआ, गुना में चिपका रहता है, ठीक है, जोड़ घटो झगड़ा लगाता है, गुना सलाह करवाता है, ठीक है। जैसे कि देखो अभी एक ही टर्म हुआ, लेकिन अगर माइनस या प्लस कुछ दे देंगे, अभी दो टर्म हो गया, एक ये वाला चिपका हुआ है गुना में एक और ये दो, इस टाइप का होता है, अभी दो टर्म हुआ है, एक ये वाला ये पूरा, एक ये दो वाला, अच्छा फिर दोनों में क्या मिला, ये वाला मिला, तो फिर इसके स्क्वायर को उतार देंगे। अब ये फिर देखो ब्रैकेट के लिए टेंशन मत करना, ब्रैकेट यहाँ पे चलो चेंज कर दो, लेकिन इधर ये वाला चेंज करोगे, इधर भी वही चेंज करोगे, यानी कि इधर देना बड़का वाला, इधर देना छोटका वाला, यानी कि इधर भी इधर स्मॉल, ऐसा नहीं करना, ये वाला करना, ब्रैकेट कोई टेंशन नहीं है, ब्रैकेट के लिए कोई मता पीछे नहीं, ये दोनों में ये मिला, अच्छा फिर यहाँ पे क्या करेंगे, ये ब्रैकेट दे देंगे, फिर इसको ऊपर में इसको नीचा में, ये जो कट गया ये बचा, फिर इसको ऊपर में इसको नीचा में, तो ये बचा। अपने लोग देखो यहाँ पे गलती कर दिए, क्या गलती की है, मैंने अभी क्या बताया, मैंने बोला के बाद में ब्रैकेट में, तो ये ब्रैकेट में यहाँ भी है, तो यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। फिर देखो ये और ये मिला ना, ये को लिखे ना, इसको ऊपर में दिया इसको नीचा में दिए, ये से ये कट गया, तो ये वाला यहाँ पे उतार दिए, फिर इसको ऊपर में दिया इसको नीचा में दिए, तो ये वाला कट गया, तो ये यहाँ पे उतार दिए, अच्छा फिर इसको ऐसे करके उतार दो। देखो 2x माइनस प्लस माइनस ए माइनस माइनस प्लस बी तो बराबर कितना जीरो, अच्छा यहाँ तो कोई दिक्कत, फिर वही वाला ये बराबर वही भी जीरो, ये बराबर जीरो क्योंकि दोनों फैक्टर है, अच्छा तो इसको ऐसे करके उतार देंगे, इसको ऐसे करके उतार देंगे, बराबर क्या दे देंगे जीरो। तो अब देखो यहाँ तो कोई दिक्कत,
अब यहां से आगे क्या करेंगे, 2x करेंगे, क्योंकि जिसका मान निकालना है कोई एक साइड रखते हैं, या तो देखो इस हाथ में भी आपको है एक रुपया दो रुपया का सिक्का, इस हाथ में भी एक रुपया दो रुपया का सिक्का है, तो कोई एक हाथ में एक रुपया का कर लो, कोई एक हाथ में दो रुपया का कर लो, ठीक है, कोई एक हाथ में एक रुपया का कर लो, कोई एक हाथ में एक रुपया का कर लो, ठीक है। तो यहां पे क्या करूंगा, मैं x का मान निकालूंगा, तो x को मैं इधर रखूंगा, आप देखो कलम है ना बराबर की जगह पर, आपको डिसाइड कर दो, या तो x का मान इधर रखो या तो इधर रखो, तो मैं एक जगह करूंगा। अच्छा, जिसका मान आपको नहीं निकालना है, माइनस उधर चला जाएगा तो हो जाएगा, ठीक है, फिर माइनस उधर चला जाएगा तो प्लस भी हो जाएगा, देखो माइनस बराबर के इधर चला गया तो क्या हो गया प्लस, और माइनस इधर चला गया तो प्लस हो गया। अब इस एक्स का मान निकालेंगे तो ये ऊपर गया और ये नीचे गया, ब्रैकेट लगा दो, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। सिमिलरली टू एक्स माइनस, ये रफ है, टू एक्स माइनस ए जोर बी तो बराबर कितना जीरो, फिर यहाँ पे ये टू एक्स, फिर माइनस इधर चला गया बराबर के इधर तो क्या हो जाएगा माइनस, फिर प्लस इधर चला गया तो क्या हो गया माइनस, पर यहाँ पे क्या हो गया 2x हो गया यहाँ तक। अच्छा तो यहाँ पे अब यहाँ पे x का मान निकालेंगे, x का मान निकालेंगे तो ये कहाँ चला गया ऊपर, ये कहाँ चला गया ऊपर, और ये कहाँ चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। अच्छा हो गया, यहाँ देखो दिक्कत, ओके माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, ठीक है, एक तो यहाँ पे मिल गया, ये यहाँ पे कहीं पर, हाँ यहाँ पे अपने लोग का गलती हो गया, देखो गलती क्या हो गया, माइनस बराबर के इधर जाएगा तो प्लस ना होगा, तो यहाँ पे प्लस होगा, तो ये नहीं भी देंगे तो चलेगा, ये भी मिल गया, हो गया, तो दोनों अपने लोग का आंसर। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, कुछ भी दिक्कत होगा तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। तो मिलते हैं कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ कुछ नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।